डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पर एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का फेलो हूँ और आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या सेक्स के दौरान पीनस का साइज़ मैटर करता है? क्या आप अपने पार्टनर या अपनी बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका पीनस का साइज़ एक सर्टन लेवल पे हो या एक सर्टन साइज़ हो और उसके बाद ही आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर आपकी बेगम मुतलका या तलाक याफ्ता नहीं है तो प्रॉब्ली उनका ये पहला एक्सपीरियंस है जो वो आपके साथ मुबाशरत करने वाली हैं। तो जब मियाँ बीवी मुबाशरत करते हैं तो उसमें सिर्फ सेक्स ही एक एलिमेंट नहीं है, उसमें प्यार, मोहब्बत, एतमाद, बहुत सी चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनको हम फोर प्ले कहते हैं, जिनमें आपका दोनों में इंटरेस्ट, एक दूसरे में इंटरेस्ट कितना है, फिर सेक्सुअल पेनिट्रेशन या जिसमें जिसको हम मुबाशरत कहते हैं वो भी एक एलिमेंट है। बहुत सी ख़वातीन को फरागत नहीं होती सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो इसलिए उनके लिए हम बहुत से और भी मैन्यूवर्स बताते हैं जिससे वो फारिग हो सकती हैं या वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन उनको हो सकती है। लिहाजा सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स या पीनस साइज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेटिस्फैक्शन या फरागत के लिए या दोनों की को सेक्सुअल एक्ट को एंजॉय करने के लिए। जिन हजरात का पीनस बहुत ज़्यादा छोटा या जिसको माइक्रो पीनस के साइज़ कहते हैं, ये बहुत छोटा है, वो बाकायदा इलाज के बाद हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि या उनको एग्जामिनेशन के बाद हम देख के बताते हैं कि उनका पीनस का साइज़ इतना छोटा क्यों है। बिलमूम जो पाकिस्तान का नॉर्मल साइज़ है वो 4.5 से 5.5 इंच है एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपका इस रेंज में फॉलो करता है या समटाइम्स 3 इंच में भी, 3.5 इंच में भी, तो इट इज़ अ नॉर्मल साइज़ पीनस। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाहमी एतमाद, मोहब्बत और रिश्तों पे तवज्जो दें एंड इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इवन इन योर इन बेड एज वेल। वो आपके जो मुबाशरत है उसमें भी इन चीज़ों को, ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी जब आप इन पर ज़्यादा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।